तो भाई स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो भाई मैं आज आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ कि भाई आप अपनी कैसे गाड़ी की आवाज़ बदल सकते हो सिर्फ और सिर्फ मात्र 400 रुपए के अंदर अंदर। तो पहले आप एक क्लिप देखिए एक बार। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। अभी जो आपने आवाज़ सुनी, तो क्या ऐसी आवाज़ इस गाड़ी में आ सकती है दियोरेस? तो भाई इसमें तो ऐसी आवाज़ है नहीं, और ना ही हमको छेड़छाड़ करवानी है एग्जॉस्ट के साथ। तो उसके लिए भाई मैं सॉल्यूशन लेके आऊँ, ये चीज़। तो भाई ये चीज़ जो मेरे हाथ में है, आप जो देख पा रहे हो, इसको बोलते हैं भाई OBD2 स्कैनर। तो भाई अब ये चीज़ क्या है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, ठीक है भाई। मैं है इस वक्त ELM327 का OBD2 स्कैनर। तो भाई पहले सबसे पहले इसका एक बार अनबॉक्सिंग करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ये स्कैनर होता है एक तरीके से, ठीक है। इतना छोटा सा डिवाइस है। तो अब इसका क्या काम है, मेनली हम इसको लगाते हैं अपने OBD पोर्ट में गाड़ी के अंदर, जो नीचे की तरफ होता है। दिखा दो एक तरफ कहाँ पे होता है, ये खुल के इसके अंदर होता है, ठीक है। वहाँ पे आप इसको फिट कर सकते हैं, सारा दिखाएंगे। तो एक्चुअली होता क्या है, ये जो डिवाइस है ये आपकी गाड़ी के अंदर सारे कॉन्फ़िगरेशन को एक साथ अपने स्टैटिस्टिकली एक डिवाइस में दिखा देता है। तो इस डिवाइस की मदद से बेसिकली आप अपनी गाड़ी के बारे में, जो आपकी गाड़ी में एरर्स वगैरह अगर आ जाते हैं बाई चांस, अपने OBD पोर्ट में आप लगा के चेक कर सकते हैं कि वो एरर कोड क्या है, क्यों आ रहा है। तो इसकी मदद से मतलब एक ऐप से कनेक्ट करके, इसके यहाँ पे ऐप होती है, उससे कनेक्ट करके आप सारी जानकारी ले सकते हो अपनी गाड़ी के बारे में, कि आपकी गाड़ी कितना माइलेज दे रही है, कितनी उसकी RPM है, कितनी आइडल RPM है, सब कुछ, ईच एंड एवरी डिटेल इसकी मदद से मिल सकती है। लेकिन आज इसकी मदद से हम कुछ और चीज़ करने वाले हैं। अब वो चीज़ क्या है वो आपको थोड़ी देर में दिखाने वाले हैं। भाई सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन रहेगा कि इसको भाई लगाते कहाँ हैं एग्जैक्टली। तो भाई यहाँ पे खोल दो भाई ढक्कन इसका। तो चाहे बड़ी से बड़ी गाड़ी हो, छोटी से छोटी गाड़ी हो, ये वाला पोर्ट हर गाड़ी में होता ही है। यहाँ पे देखो आप, ये जो चीज़ आप देख पा रहे हो इसकी एकदम एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे फिट कर देंगे इस तरीके से। देखो भाई, तो लाइट भी आ चुकी है, मतलब भाई एक्टिवेट हो चुका है, अपनी गाड़ी के अंदर लग चुका है। अब ये लगाने के बाद, इसके बाद आपको करना क्या है, अपने कोई भी फ़ोन ले लेना है, चाहे एंड्रॉयड ले लो चाहे आईफोन ले लो, ठीक है। यहाँ पे आपको इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है। ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है, ये देख सकते हो OBD, ये अब भाई कनेक्ट हो जाएगा। इसमें भाई इसका पिन वगैरह डाल देना, 1234, ये इसका स्टैंडर्ड पिन रहता है, ये हो जाएगा भाई पेयर। इससे सिर्फ आपको करना ही है अपने भाई प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाकर ये वाली ऐप डाउनलोड कर लेनी है आपको। भाई इस तरीके के और भी ऐप्स आते हैं, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं रेवहेड्स इंजन साउंड्स की ऐप। तो इसको हमने डाउनलोड कर रखा है पहले से। एक बार ऐप खोलो भाई, चलो। तो भाई इस तरीके की कुछ ऐप यहाँ पे। अब यहाँ पे चीज़ ये है कि यहाँ पे भाई आप देखो, आपको यहाँ पे मल्टीपल कार की साउंड्स मिल जाती हैं। ये देखो भाई, इतनी सारी, मतलब यहाँ पे 50+ आपको कम से कम गाड़ियों के साउंड मिल जाती है यहाँ पे। अब भाई मेन बात आती है कि गाड़ी और इसकी आवाज़ कनेक्ट कैसे करेंगे। करना आपने ये है, अपने भाई जो भी आपके पास फ़ोन है एंड्रॉयड या आईफोन, अपने एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो से कनेक्ट कर लीजिए। अगर आपकी गाड़ी में एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले नहीं है तो ऑक से कनेक्ट कर लीजिए, बेशक वो भी काम करेगा, ठीक है। या फिर USB से कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अब आ जाना है आपको ऐप के अंदर। यहाँ पे भाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं OBD2 का यहाँ पे बटन दे रखा है, इसको दबाओ भाई। अब ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो कनेक्ट वाईफाई, कनेक्ट ब्लूटूथ। तो हमने ब्लूटूथ से पेयर कर रखा है, तो हम ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट। अब उससे पहले करना ये है, आपने अपनी गाड़ी की रेड लाइन चेक करनी है। अब यहाँ पे आपने, आप देख सकते हैं लिखा है ये व्हीकल्स रेड लाइन RPM। अब जैसे अपनी जो i20 है, इसकी रेड लाइन लगभग है 6750 के आसपास, तो उसके हिसाब से हम सेट कर देते हैं। सेट कर दो भाई इसको, ठीक है भाई। इस पे लगा दी हमने, अब यहाँ पे कनेक्ट कर दो ब्लूटूथ इसमें। अब इसमें OBD2 का अपने जो हमने पेयर कर रखा है उस पे आप कनेक्ट कर दो। अब ये कनेक्ट कर रहा है अडैप्टर से वहां से। तो भाई इस तरीके से आपका कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप नेटवर्क भी देख पाओगे, ठीक है। और सारा RPM देखो, आपका यहाँ पे फोन पे RPM दिख पाएगा कितना आपकी। देखो तो यहाँ पे 0.7 आ रहा है, और यहाँ पे लगभग 6, मतलब 0.6 से ऊपर ही है, मतलब तो वो राउंड ऑफ करके हमको वहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अब भाई हल्की हल्की रेस दो एक बार आप, ये देखो जैसे जैसे बढ़ रही है RPM भी बढ़ रही है। बढ़ाओ भाई एक बार, कंटिन्यूस रेस दो एक बार, ये देखो। तो भाई ये एग्जैक्ट आपके RPM से मैच करती है ऐप, ठीक है। तो वो मदद भाई हमारी करी OBD2 स्कैनर ने। तो यही काम होता है OBD2 स्कैनर का, RPM से आपके कनेक्ट कर लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी स्पीड वगैरह भी दिखाई रही है, तो स्पीड हमारी जीरो है, तो यहाँ भी जीरो ही दिखा रही है। अब दिखाओ भाई मेन मैजिक इसका।
अब भाई आपका जो मन करे, जो उनकी गाड़ी की आवाज आपको निकालनी है, यहाँ पे भाई देखो इस इंजन की निकालनी है, इस इंजन की निकालनी है, जो आपका मन करे, ठीक है। ये देखो भाई यहाँ पे करते हैं। तो भाई अब हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है 5.2 V10 इंजन की आवाज। अब भाई रेस दो हल्की हल्की, आप आवाज बढ़ा देते हैं। तो भाई रेस दो। तो भाई जैसे जैसे आरपीएम बढ़ रही है, जैसे जैसे आरपीएम बढ़ रही है भाई, उसी हिसाब से गाड़ी की आवाज हमारे स्पीकर्स के थ्रू से आ रही है, कहीं से नहीं भाई, अपने स्पीकर्स के थ्रू से आ रही है। तो ये भाई काफी फन चीज लगी हमें। तो अब हल्का से इसको ड्राइव पे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे भाई हमने लगा ली है मस्टैंग है, पता नहीं कैमेरो है शायद, उसके मसल वाली कार की आवाज लगा ली हमने यहाँ पे, करते हैं ड्राइव इसको। अब भाई थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं। अब भाई चलते हैं, चलो। वही प्रॉपर मसल कार वाली आवाज आ रही है यहाँ पे, और एग्जैक्ट मतलब आरपीएम से आपके मैच होते होते आती आवाज। तो जैसे आपका थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वैसे ही आवाज आएगी, ना कम ना ज्यादा। तो भाई काफी ज्यादा एक्साइटिंग चीज लगी हमको। अगर भाई नॉर्मल फन के लिए आपको चाहिए गाड़ी, आप थोड़ा हाई स्पीडिंग करने वाले हो, तो भाई बहुत सही चीज है ये। तो भाई यहाँ पे एक बार अब थोड़ी अलग इंजन की आवाज सुनाते हैं आपको, यहाँ पे सुनाते हैं भाई V10 यहाँ पे भाई, अपनी ये लेक्सस एलिफिक वाली आवाज है वो सुनाते हैं आपको। चलो भाई हल्की हल्की रेस दो भाई, और रेस दो। तो भाई चलो इस आवाज के मजे लेते हैं थोड़े। काफी एंटरटेनिंग चीज है भाई ये। तो बस यही है, देखो ऐसे ये रोज का तो लगाने के आप चला नहीं सकते गाड़ी, ठीक है भाई। हाँ भाई इतना कौन तामझाम लगाएगा रोज, बट वो है कि अगर आपको ठीक है थोड़े टाइम के मजे लेने हैं, ऐसे थोड़ा मन कर रहा है भाई थोड़ी गाड़ी आवाज सी है, तो भाई आप बिल्कुल ये ले सकते हैं और लगा सकते हैं। इसका प्राइस भी कोई ज्यादा नहीं है, अपना 400 रुपीज आपको मिल जाएगा कहीं से भी, लिंक भी हम डाल देंगे साथ के साथ ही, आप वो भी देख सकते हैं। ये वाला इसके थोड़े हायर लेवल भी आता है जिसमें वाईफाई भी कनेक्ट हो जाता है। तो अगर आपको काम के लिए चाहिए अपने आपको, जैसे अपनी गाड़ी क्या खुद ही आपको देखना है कि मेरी गाड़ी में क्या क्या दिक्कत है, क्या मेरी एवरेज ड्रॉप हो रही है, कैसी हो रही है, तो उसके लिए आप रख भी सकते हैं इस चीज को, वरना भाई इस चीज के लिए तो ये है ही वैसे भी। तो यही था भाई आज की कुछ इस वीडियो में, हमने भाई OBD2 स्कैनर के कुछ चीजें जानी, कैसे आप अपनी गाड़ी से फन कर सकते हो उसका थोड़े सा। तो भाई यही था आज की उस वीडियो में, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता है आपसे एक नई वीडियो के अंदर।